हिमाचल के शिमला के सिरमौर जिला के गिरिपाट क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिलाने को लेकर विधानसभा बजट सत्र में ट्राइबल का दर्जा देने का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान शिलाई के पूर्व विधायक हर्षवर्धन चौहान ने यह मामला उठाया और कहा कि सिरमौर जिले के गिरिपारा क्षेत्र के 144 पंचायतों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने का मामला लंबे समय से चर्चा में है। प्रदेश सरकार ने कई बार इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया है और ये क्षेत्र सभी मापदंडों पर खरा उतरा है। सरकार जो ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजाति घोषित करने की जो प्रश्न है विधानसभा में लगाया है, हमने मांग की है कि 144 पंचायतें जो जिला सिरमौर की है और 4 विधानसभा क्षेत्रों की है, उसका मसला बहुत लंबे अरसे से केंद्र सरकार के पास लटका हुआ है। प्रदेश सरकार ने भी उसको कई बार रिकमेंड किया है, पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने भी और प्रेजेंट भाजपा गवर्नमेंट ने भी किया है और उसमें सारा जो पैमाना है वो सारे पे फिट बैठता है। उसमें जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, जो नोडल एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई है और भी एथनोग्राफी रिपोर्ट जो है वो RGI को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि भाई इसको जो है जल्द से जल्द ट्राइबल घोषित किया जाए, क्योंकि हमारा जो जौनसार बाबर का क्षेत्र है, जो उत्तराखंड का हिस्सा है, वो एक समय सिरमौर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। उनको ये ट्राइबल दर्जा 1967 में मिला है, हमें नहीं मिला है। तो हमारे लोग जो है बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी 2014 में उन्होंने घोषणा की थी, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने हरिपुर धार में भी इस एरिया को ट्राइबल करने की घोषणा की थी और हमने अब निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है कि अपने